तो गाइस यार गुड मॉर्निंग भाई साहब, काफी दूर चलने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज। और देखो 5 बजे पहुंचे हैं भाई साहब, निकले थे घर से 10:30 में, पहुंचे हैं 5 बजे। मस्त एकदम पार्किंग में लगा दिए गाड़ी। प्रकाश तो रात भर खूब अच्छे से सोया, क्या प्रकाश मजा आया। क्या प्रकाश मजा आ रहा है जी, फैन लोग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रकाश विनर फेमस हो गया मेरे ब्लॉग में, रहते रहते ना प्रकाश। तो गाइस देखो, पहले तो हर हर महादेव। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जा रहे हैं देवघर, तो अभी देवघर जाने की तैयारी चल रही है। गाड़ी लेके आया था रवीश और यह है सचिन मोटू भाई। तो अभी झंडा लगा रहे हैं गाड़ी में, उससे पहले झंडे पहले वो सेट कर लेते यार, क्योंकि ये सेट होने में काफी टाइम लगता है। तो झंडा 5-10 मिनट में सेट हो रहा है, जल्दी से इसको सेट करते हैं। अरे पकड़ के ठोक हो, हमको अकेले बिठा दिया है बिरा दिया। तो कोई छोटा ईटा ले लेना भाई, रुक भाई अभी झंडा लगा रहे हैं तब तो लगेगा कि नहीं भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या जी पता चला कि अच्छा से लगाना कि झंडा अच्छा से फहरा है। हाँ झंडा तो फहरे करेगा अच्छा से भाई, रुको बढ़िया लकड़ी लेके अभी लग नहीं रहा है, सूखा दम देख के लेके ढूंढते हैं। और अभी देखो इसका जो है लग गया अभी अच्छा से, और इसको पूरा फिनिशिंग करते हैं। है किसी आया है आपसे, गाड़ी में झंडा बांध दिए हैं और आए थे ऊपर, अभी बैग लेने चल रहा है मेरे साथ अभी नीचे। तो अभी बाय आते हैं बाबा का दर्शन करके, नीचे चलेगा तो अभी ना फिलहाल चलते हैं। फिलहाल क्या, आप चलते हैं नीचे, गाड़ी में बैठते हैं और दिखा देंगे पहले आपको झंडा, और मस्त एकदम मजा करते हैं ट्रिप पे, बाबा के दर्शन करके आते हैं ना। बाबू किसी दे दो, बाय बाय जिन लोग को देखो, बाय माही, बाय रुद्रा, बाय बाय। अभी गाड़ी में झंडा उंडा लगा दिए हैं, एकदम आगे सोब रहा है क्या, छोटा वाला भी बैग दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा लिए ना? नहीं हम नहीं लिए, आधा काम तो हमको दीजिए ना, निकाल के दिए थे आप। अरे तो पर्से में ना, हम जब पढ़ले ना है यार, उपना ही ना मांगिए उनसे। तब तक बैग रखते हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है यार, एक एक बार एक काम निकाल रहे हमको बस। क्या जी प्रकाश, बैग रखने का जगह है पीछे जी यार। यार अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकल गए हम सब लोग, पहले सबसे इंट्रोड्यूस करवा दे, उधर भैया, इधर रिमोट का सचिन, और ये सचिन का भाई है, और ये भी सचिन का भाई है, सब सचिन का ही भाई है। और पीछे ही देखो ये रवीश और ये प्रकाश। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव। तो चलते हैं अभी देवघर, मस्त एकदम ट्रिप का एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग घर से निकले हैं मतलब 10:30 में, वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को 7 बज ही जाएंगे, एकदम मजा आएगा। हाँ रख लिए, रख लिए सारा चीज, हाँ सब चीज रख लिए, जब जो छूटेगा सब बाबा का पास। सर मेरा हो गया, बाईपास होके सर मेरा हो गया, सर मेरा होके चलिए एकदम मजा आएगा। तो एक बार फिर से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू और निकलते हैं यहाँ से। किलोमीटर दूर चलने के बाद अभी रुके थे थोड़ा सा खाने पीने को, ये देखो यहाँ पे चाय काफ़ी सारा ढाबा है, वहाँ पे वो लोग जो है ना रुक के खाना पीना खा रहे हैं, और हम लोग जो है खाते के एकदम हो चुका है टाइट। क्या जी प्रकाश मजा आ रहा है, ये तो एक दिन भाई छोटा सा स्नैप भी ले लिया तुम भाई। और गाड़ी की देखो देखो कैसा लग रहा है एकदम भाई, बीच रोड पर गाड़ी लगा दी है, बीच रोड पर तो नहीं बोल सकते, रोड के साइड में गाड़ी लगा दी है, और एकदम काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोग को। तो अभी मैं बीच में बैठ के आया था, लेकिन अभी जाऊंगा पीछे बैठ के प्रकाश के साथ में, अकेले ये बोर हो रहा है रवीश के साथ ना भाई। रवीश एकदम फोन चलाने में व्यस्त है, तो रवीश के साथ पीछे बैठेंगे और मस्त एकदम, पीछे मन करेगा तो आराम से सो भी जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले को ज़्यादा रिलैक्स मिलता है ना प्रकाश भाई, तुमको तो अभी नहीं सोएंगे हम तो, मतलब अभी कितना बज रहा है, 12 बजने वाले भाई साहब, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है हम लोग को, मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा, जो कि आधे एक घंटे हो गए यहीं रुके रुके। तो कोई ना अभी बैठते हैं पीछे, वो लोग आ रहे हैं अभी हाथ हाथ धो रहे हैं, और मस्त एकदम मजा करेंगे अभी हम लोग। और ये देखो गाड़ी का एक बार सिनेमैटिक चेक करो, yeah.
माई लाइफ। बाबा धाम पहले जल उठाएगा ना भाई। क्या प्रकाश मजा आ रहा है जी, फैन लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश तुमको भी लोग पहचानने लगा है। तो गाइस देखिए बात कुछ ऐसा है ना कि हम लोग फिर कुछ दूर चले हैं और रुके हैं अभी गाड़ी के साथ साथ हम सब चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई चाय वहाँ नहीं था, सब खाना खा के निकल गया। अरे हुआ खाली खाने खाया था, चाय नहीं था हुआ, खाना कुछ नहीं था। ओह रवीश कोई कष्ट है? अब भाई साहब ये रवीश क्या बोल रहा है कि हम सुल्तानगंज से पैदल जाएंगे, हमको सोने दो। इस ट्रिप में कौन तुमको सोने वाला लगता है? नहीं सोने वाला है, ना सोने वाला है प्रकाश, तो कम सोएगा नहीं, तुम सोएगा भाई। इधर दिखाओ कोई कष्ट है क्या रवीश? रवीश यार क्या पता क्या हुआ इसको, पैदल चलने का ऑप्शन हो गया। गाड़ी मस्त लगा दी, चाय बन रहा है तो चाय वाय मस्त पीते हैं और फिर से ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। The next day. तो गाइस यार गुड मॉर्निंग भाई साहब, काफी दूर चलने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज और देखो 5 बजे पहुंचे हैं। भाई साहब निकले थे घर से 10:30 में, पहुंचे हैं 5 बजे। मस्त एकदम पार्किंग में लगा दिए गाड़ी। प्रकाश तो रात भर खूब अच्छे से सोया, क्या प्रकाश मजा आया? अब तो यहाँ से जल लोगे, बाकी सब पार्किंग में गाड़ी लगा के ऊपर मस्त एकदम आराम कर शौचालय जाना है तो उधर बना हुआ है शौचालय, जा सकते कोई दिक्कत नहीं है। बोतल वाला चाहिए, बिहारी स्टाइल, बिहारी स्टाइल इन लोग को चाहिए। और पार्किंग भाई आधे घंटे बाद हम लोग गाड़ी लगा पाए, क्योंकि देख लो इधर भी मतलब उधर देखो पूरा पार्किंग फुल, और उधर भी जो है ना उधर तो एकदम जगह नहीं है, आगे रोक दिया जा रहा है। और इससे पहले पीछे क्या किया जा रहा था ना कि मेन रोड से थोड़ा सा अंदर पार्किंग में करके, इसे पिछले वाले पार्किंग में अंदर करके फिर मेन रोड पे लाया जा रहा था, और उसमें पैसा लिया जा रहा था कि आप पार्किंग से निकल रहे हो। तो क्या हुआ कोई बात नहीं है। और ट्रेन देखो, एक ट्रेन जो है ना वहाँ पे रुका हुआ है यार, ये स्टेशन है, ये स्टेशन नहीं है, स्टेशन आगे है। तो अभी हम ना चाय पी रहे भैया, चाय पीना है किसी को? हम पियेंगे भैया, पियेंगे चाय पिए। तो अभी मस्त ना चाय वाय पीते हैं फिर फ्रेश होंगे। और इस ट्रेन को भाई देख के हमको तो हंसी आ रहा है यार, अभी इसी ट्रेन पे चढ़ेगा भाई, रोक दिए रोकवा दिए हैं। हाँ हम पियेंगे भाई, बनाइए ना भैया 3-4 बनाइए ना। तो मस्त अभी चाय पीते हैं भाई। यार देखो अभी फ़ोन हो गया डिस्चार्ज, पावर बैंक है, क्योंकि गाड़ी में अभी जो है ना भैया सो रहे हैं तो उधर ऑन करना होगा तो फिर डिस्टर्ब होगा उनके। इससे बढ़िया है कि पावर बैंक से चार्ज लगाते हैं। और अभी सुल्तानगंज में हम लोग सुबह सुबह मतलब पहुँचे थे 4:30 के टाइम में, और अभी सनराइज़ हो रहा है, किधर से हो रहा है उधर से हो रहा है, उधर से सनराइज़ हो रहा है। और ना ये सामने जो पुल देख रहे हो, अभी हम लोग पुल के उस तरफ जाएंगे नहाने गंगा जी में, वहीं से जल भरेंगे, और जल भरने के बाद फिर चलेंगे देवघर, जो कि यहाँ से 108 किलोमीटर है। तो अभी तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ रास्ते में, मस्त एकदम मज़े से आए हम लोग। और अभी उधर हम आके जल भर के फिर उसी रास्ते से निकलेंगे। देख लो अभी कुछ लोग उधर से जा रहे हैं, सामने दिख रहे होंगे आपको, ये देखो गाड़ी जा रहा है। तो हम लोग जो है ना उधर ही सो के जाएंगे। तो फिलहाल अभी फ़ोन को चार्ज करते हैं और इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मजा आया ना रात में प्रकाश? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन विशेप, इंतजार करना अगले वीडियो का, बाय।